हो गया। ये चेक किसकी आईडी से? असल वाली आईडी से चेक हो गया लाइव। असल फोन दिखा दे। टैंकी के ऊपर है। हां जो मर्जी ला दें कोई भी लगा दो। हो गया क्लियर है। अंदर जा कबूतरों नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंत्री हाइपलाइन की मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज आपको हम शॉट करवा रहे हैं सियालकोट में, और सियालकोट में जो परिंदे अभी आपको नुमान दिखा रहा था ये सियालकोट के कदीमी कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं। सियालकोट की पहचान है ये कबूतर, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कबूतर हैं। और इन कबूतर तो ये कबूतर आपको दिखाएंगे, ये इनके बहुत पुराने कबूतर हैं, कदीमी कबूतर हैं, और सियालकोट की पहचान है ये जौंसरे कबूतर। पीछे कहाँ जाया जा रहा है, आगे रहा। तो उनमें से ही आपको ये कबूतर दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम तर कबूतर पसंद आएंगे। आज हम मौजूद हैं जनाब उमर मनी साहब के पास मॉल टाउन में, और मॉल टाउन में ये बड़ा ही खूबसूरत सेटअप इन्होंने बनाया है। ये परवाजी कबूतरों का साथ ब्रीडिंग सेटअप है, और उसके बाद नीचे भी कुछ ब्रीडर कबूतर रखे हैं, वो तमाम कबूतर आपको दिखाएंगे। उमर भाई हमारे साथ हैं और तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक ये तैयारी इनकी मुकम्मल होगी। तो ये सारे कबूतर आपको हम दिखाएंगे, इनमें कीमती सियालकोटी कबूतर हैं, जो कि आपने उम्मीद है कि इससे पहले बहुत कम ही देखे होंगे। देखे ज़रूर होंगे लेकिन बहुत कम देखे होंगे। तो हम बात करते हैं उमर भाई से। सामने वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा थोड़ा सा इस साइड पर आ जाए, क्योंकि इधर से ना लाइट आपके चेहरे पर क्लियर हो जाएगी। हाँ बस ठीक। अच्छा उमर भाई, माशाल्लाह कबूतर बड़े अच्छे हैं आपके पास, सियालकोटी कबूतर हैं। तो कितने अरसे से ये कबूतर आपके पास हैं और क्या इनका ओरिजिन है? ये मेरे पास तो 2 साल से हैं। ये मेरे बहुत प्यार वाले भाई अली भाई हैं, रीजा हैं। ये इनका ओरिजिन इनके पास से है। अच्छा, सोर्सिंग इधर से है, इनके पास से कह लें एज ए गिफ्ट आए हैं, या इनकी तरफ से ही मुझे जितने भी ये कदीम सियालकोटी कबूतर हैं इनके पास से हैं। अच्छा, इनके पास से आए। ओ अली भाई, आप बताएं कि इनका ओरिजिन क्या है? ये ब्रीड के वाले से, मतलब कौन से कबूतर हैं ये, कितने अरसे से आपके पास है? जौंसरे मोतियों वाले। अच्छा, मोतियों वाले माशा बिल्ला वाले कबूतर भी हैं इसमें सिद्दीकी पहलवान वाले कबूतर भी हैं, छत वाले। अच्छा, तो ये है अपनी असल हालत में, ओरिजिनल हालत में। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अभी यहाँ पे जो सियालकोट का जो ट्रेंड अब चला हुआ है परवाज़ों का, शाम रात रात तक जो लोग परवाज़ें ले रहे हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से कबूतर सियालकोट में अब ऑब्वियसली एंटर हो रहे हैं, तो क्या इनके साथ उन कबूतरों को ही क्रॉस किया जा रहा है? क्योंकि बहुत कम ही अब सियालकोट में भी ये कबूतर इतनी तादाद में और इतनी अच्छी हालत में नज़र आते हैं।
तो क्या ख्याल है कि अब लोग इनको क्रॉस करके इनको खत्म कर दिया, लोगों ने गुम कर दिया, क्या चक्कर हुआ कि क्यों नहीं हुए हैं? सारे सियालकोट में बहुत सारे लोगों के पास है, वो किसान मैं तो जो फील किया देखा है लोग इसको इनको दूसरी ब्रीड में नहीं इतना क्रॉस देते हैं। अच्छा, इस वजह से इन ब्रीड रह रहे हैं बहुत सारे पौधे खराब हो फिर इनको जब दूसरों में डालते हैं तो ये रिजल्ट जो इनका निकल के आता है, ये बात है, ये वजह दूसरों में अपनी ऐड करें तो इनके बहुत तो अपनी जाती क्या इनकी परवाजें वगैरह रही हैं आपने देखी? अच्छी सियालकोटी कबूतर अच्छी परवाज में रहे हैं सारी उम्र से, आप लोग भी देख रहे हैं बिल्कुल ये अच्छे परवाजी कबूतर हैं और ब्रीड इनकी मतलब ये गारंटी है इन लोग इन परिंदों की कि ये घर के पके हैं सही, ये अच्छे फार साइज में बिग साइज में परिंदे होते हैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी आज हमें उमर भाई की छत पे ये कबूतर जो मौजूद हमने देखे हैं माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, बड़े अच्छे खूबसूरत भी बड़े, तो बड़े अरसे के बाद इस तरह के गया तो कबूतर बहुत डिफरेंट आ गया। ये जोंसरे हैं ये जो जिनको जो जोंसरे थे अब लोगों ने जोंसरों की भी शक्लें बदल दी, सर शेप ही बहुत क्लास की, आप ये बहुत अपने ब्लड में कबूतर जिसको कहते हैं ना, अभी भी इस ब्लड में मैंने नेट में भी बहुत देखा है कि मुझे नजर आए इस तरह के परिंदे, सही मैंने सर्च की है ना, लेकिन शुक्र मुझे कभी इस तरह के परिंदे देखने को नहीं मिले। अच्छा, बाकी आप बेहतर जानते हैं आपने बिल्कुल बहुत आला बहुत मतलब अली भाई ये जो कबूतर आपके पास हैं ये अभी इस वक्त आप कह रहे हैं कि लोगों ने इनब्रीड किए हैं तो आपने इनको प्योर किस तरह रखा? ये इधर सियालकोट में बहुत सारे आप लोग ये लोगों का ख्याल है पूरे पाकिस्तान में शायद कि सियालकोट में परिंदे नहीं है लोगों के पास, जिन लोगों के पास हैं वो इनब्रीड हो गए बिल्कुल सर, तो इनब्रीड तो है लेकिन उन लोगों के पास जिन्होंने एक ही गुड्डे में रखे हैं, तो जो मतलब अगर मेरे पास जोंसरे हैं पुराने मेरे पास 20-25 साल से ये बेसिकली मेरे वाल साहब के साथ पास में थे। अच्छा, तो मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैं फिर जोंसरे को ढूंढा, तो सियालकोट में ओरिजिनल अच्छे ब्लड का जोंसरा मुझे फीमेल मिली है तो मैंने इसके साथ से पेयर बनाया, तो ऐसे ही फिर इसको मतलब। अच्छा, कुछ लोगों ने सियालकोट की कबूतरों को क्रॉस इस तरह से भी किया, मतलब मेरे पास अगर एक सियालकोट की परिंदा है तो मैंने कहा अगर कोई मादा सियालकोटी आ गई, मैंने नहीं देखा कि वो 35 वाली है जोंसरी दूसरों में से, मैंने देखा कि सियालकोटी मैंने आपस में उनको लगा दिया, तो इस तरह भी लोगों ने काफ़ी कलर जो है वो ख़राब कर दिए ऐसे ही ऐसे खराब किया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का परिंदा आने के बाद दोबारा उसमें से ओरिजिनल परिंदा आप निकाल लेते हैं? ये अपने अपने समझने की बात है, जोंसरे ब्लड के साथ लोग समझते हैं मोतियाँ वाले पता पंजाबी का पंजाबी की करोगे लोग समझते हैं, आहो लोग समझते हैं जोंसरे और मोतियाँ वाले इतने बहुत शकीन आएंगे ही नवे जो शकीन है ना वो मोतियाँ वाले जोंसरे तो जोंसरे वाले मोतियाँ वाले बस अब्दुल्ला साहब वाले कबूतर सब समझ मोतियाँ वाले यह जोंसरा कबूतर है बेसिकली वैशी कबूतर है ना जो बने हुए सियालकोटी ओरिजिनल जोंसरे हैं ए कबूतर बाबे बुद्धू कोल सन नूरदीन बुद्धू कोल वो बड़े मतलब शौकीन बने सर किले के थले उन्होंने जगह सी बनी थी दो तेरी दुकान सी उत्थे अंदर बहने सर उन्होंने कबूतर सन जोंसरे यह सियालकोट के कदीम कबूतर ने और ओरिजिनल हालत चले अच्छा तो शायद मे भी होंगे ने लोगों को बड़े बड़े अच्छे होंगे लेकिन तो इस साइज से इस कलर से ओरिजिनल कबूतर है जोंसरा 90s बिल्कुल सेम कलर सेम साइज का कबूतर मेरे को लिया है 97-98 अब देखने में नहीं मिलते अब नहीं मिलते अब ये देख अब ये असल में कबूतर बाबे बुद्धू के पास थे नूरदीन ये इसको हम किंग कहता हूं अल्लाह बख्शे वो ये हमारे खुड्डे का किंग है और ये माशाल्लाह किंग कबूतर है ओरिजिनल और बेसिकली जो चूहे जोंसरे हैं ना ये चूहे जोंसरे यही हैं हां जी हां चूहे जोंसरे यही हैं जोंसरा मतलब पता चले इसको पकड़े तो पता चले नहीं अभी तो मेरे पास अभी तक मैं इसका बच्चा दिखाता हूं आपको इसका बेटा नहीं जी ये कबूतर की बात कर रहे थे हम कबूतर देखें आपको स्वाद आ जाएगा माशाल्लाह क्या बात है मैं आपको इसकी लाइन का इसका बेटा दिखाता हूं इसकी नोक का कलर इसकी आंख और इसके सर की शेप जो मेन इसका ओरिजिनल वो है ना नहीं कुछ नहीं होता एक दफा ही लगता है झटका जो तो हाथ बनते हो ये देखें जी इसकी खूबसूरती भी पूरी है चेहरा इसका खुद ही बताता है कि ये किस तरह का इसको छोड़ के भी दिखाइएगा ये बगल का साइज इसका बगल का
बैठ के ना शुक्र कुर्सी के क्या वो चेयर ले कुर्सी दियो में पंजे भी जरूर दिखाई नहीं जी इसके पंजे भी देखेंगे मुश्तबा भाई अगर देख रहे हैं तो मुश्तबा भाई देखें पंजों से आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लड लाइन में कबूतर पीछे रखो ना सामने बहुत ही शानदार कबूतर परेल कबूतर है ये बेटा इसका ये उठा लो इसका स्टोर है ये इसका किसी का बेटा हां जी साफ ये एक्चुअली ये जोंसरे कबूतर है जोंसरे चूहे ये ये इसका बेटा है ये जो शहजाद साहब इस साइड पर आ जाए क्योंकि सूरज इस साइड पर है ना तो जरा लाइट इधर आ जाए उमर भाई जी देखें कैसी शानदार आँख है इसकी उस्ताद नुमान भट्ट साहब देखें जरा आगा बिलाल साहब कैसे हैं आप आगा बिलाल भाई को भी मैंने दावत दी है आने की पर उनके पास टाइम नहीं निकल रहा आने उनके पास होता ही नहीं जी टाइम ये रखा मैंने किधर बैठा नहीं जानता इसी का भाई अच्छा साइज इनके ये ओरिजिनल साइज है कि बाद में जेन्युइन साइज है ओरिजिनल असल से अलगूटी यही साइज है आप इसका वेट देखें हां वेट स्ट्रक्चर चेक करें ये जेन्युइन ये चूहा कबूतर है इसमें कोई मेल नहीं है ये असल चूहा कबूतर है भजन इधर हो जाएगा वो पता क्या सूरज से जरा ये नहीं जी ये कहने ना भरमे जोंसरे भरमे चूहे जी जी ये कबूतर है वो ग्रीन नेक्स इसकी गाड़े जोंसरे माशाल्लाह लेंथ देख लें इनके कुंदे इनके पल्ले देख लें प्योर ब्रीड में है ये लसे दो एक लसे देंगे दुम में भी बाहर कुंदों में भी और नरम कबूतर है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है जैसे मर्जी इनको ढालें इनको जिस क्रॉस में भी आप लगाएंगे इनका रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा माशाल्लाह क्या बात है हड्डी बड़ी अच्छी है ग्रीन कड़ी वाला दिखाएंगे भाई ये देखें ग्रीन कड़ी वाला हाँ जी ये देखें जी बहुत ही शानदार बड़ा आला कबूतर उस्ताद मंजीत सिंह साहब देख रहे होंगे उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब ये ये अच्छा कबूतर बना ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन चूहा कबूतर है ये भी कौन सा लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा फिट हुआ आप देख लें ये ब्रीड में है और काफ़ी अरसे से हैं और इनका स्ट्रक्चर चेक कर लें साइज देख लें उस्ताद साकिब बाबा साहब थे पता नहीं कहाँ चले गए साकिब भाई देखें जरा कबूतर ये है चूहा कबूतर ये देखें जी इसका पर भी बड़े अच्छे वाह हड्डी जोड़ कमाल के बहुत आला कबूतर है जी माशाल्लाह उमर मलिक साहब के पास इस वक्त अली भाई के ये कबूतर हम देख रहे हैं अली भाई हमें दिखा रहे हैं साथ साथ ये जो क्या बात अच्छा जी परों का जो है ना बड़े ही अच्छे पर हैं इनके जितने भी कबूतर आ रहे हैं ना परों के पॉइंट में बड़े अच्छे दुमे बड़ी फिट है कोई फालतू नहीं इनके और ये देखें जी पंजे कितने प्यारे पंजे माशाल्लाह गहरे ये जो बाबा सिद्दीकी वाले कबूतर थे ना छत वाले जी जी
बेसिकली ये जो उनसे हैं उन ये पुराने छत वाले कबूतर ये हैं। ये है छत वाला, ये पुराना छत वाला कबूतर नहीं जी, ये है जी असल कलर छत वालों जो नए बने हुए ना 10-12-15 साल पहले, वो नहीं है छापदा, ये जेन्युइन छत वाले सिद्दीकी पहलवान वाले कबूतर ये हैं। आप साहब ठीक हो, आप इसको फ्रंट से भी से जो अच्छा उनमें एक मैंने एक भाई है उनके पास देखे थे, उनके चेहरे लंबे भी बहुत नजर आ रहे, लंबे चेहरे भी मादी ना लंबे चेहरे ना नारला लो लीली ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 12 ਚੋਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਕਰ ਲਏ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂਹੇ ਛਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ये प्योर है? हाँ जी ये प्योर छत वाले कबूतर, छत वालों में चूहा नहीं है, इनको बनाने में भी चूहे चूहे कबूतर का किरदार है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, इनके अंदर भी चूहा चूहा क्रॉस है जी सामने, बहुत शानदार साइज तो बड़े अच्छे हैं जी माशाल्लाह, बहुत शानदार कबूतर है जी, कितने ही कर ले ये जरा कैसी जरा, बहुत जबरदस्त जी उमर भाई, बड़ा आला कबूतर है माशाल्लाह। ये प्योर आपने रखे हुए हैं अभी तक? जी बिल्कुल जी, और अपनी हालत में, और ये जो परवाज ही रखे हुए हैं, ये जो परवाजी छत बना रहे हैं इसमें इनका किरदार है, इनके ऑफ कोर्स इनके किरदार के बगैर ये छत नाकाम हो जाएगी, मतलब सियालकोट में अगर ये परिंदे नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। हां भाई ये चूहा छत है जी। हां जी फैसल भाई ले जी, ये चूहा छत वाला कबूतर क्या बात है, खूबसूरती उसकी आपके सामने माशाल्लाह। ये जो उस्ताद दुबान भट्ट साहब, सैयद लाल शाह रिजवी साहब, मिस्टर जट, पर देखें जी इसका बहुत ही कमाल पा रहा है माशाल्लाह। अच्छा ये कमर के ऊपर सारी बगल लेके जाता है पूरी जी, देखो सही हो बजाए हो कौन ले अंदर किस तरह से दम बड़ी अच्छी कंट्रोल्ड जी। शहजाद साहब देख रहे हैं, जी शहजाद साहब देखें ये मज़ेदार कबूतर है, आपको बड़े पसंद आएंगे, गोल हड्डियों के गोल कबूतर, बड़े लंबे पोटों के कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं, साइजों के बड़े अच्छे हैं, मलाइमियत बड़ी है ज़बरदस्त। ये भी छत वाला कबूतर है, ये भी प्योर छत वाला, प्योर छत जी बिल्कुल शकील भाई मरहूम जो हैं उनके पास सियालकोट कबूतर बहुत अच्छी हालत में, अंदर छोड़ दे, अंदर अंदर छोड़ दे, साफ हो जाएगा ठीक है। हैं कोई नजर आता फीमेल होगी ना थोड़े लंबे चेहरे की, इसको लगाएंगे तो वो बच्चे ज्यादा लंबे मतलब ऐसे चेहरे हो जाए। ठीक ये आ जाएगी शेप, दो नार हो भी नहीं होगी ले आओ, अजाने हो रही हैं लेकिन हम आपको शौक साथ साथ करवा रहे हैं, जरा खामोश होकर करवाएंगे। बड़े जम से रेरा पुत्र, वाह पहले जो जौंसरा दिखाया उसका बेटा है, बहुत अच्छा था।
का ही बेटा है बड़े जौनसरे का। क्या बात, बड़े अरसे के बाद ऐसे कबूतर देखे हैं। उस्ताद हाजी यूसुफ साहब अगर देख रहे हैं, उस्ताद आसिफ जमाल साहब और उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, खान साहब के फेवरेट कबूतर हैं जी माशाल्लाह। इनकी आंखें बताती हैं, इनकी चोंच जो है ना मोतियों वाला चूहा, ये मोतियों वाला चूहा। होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा गहरी आंख नहीं हुई इस वक्त इनकी, ये नीचे रहने की वजह कमरे में बंद है, कमरे में लेकिन वो जो जरात होते हैं ना बेस में उनकी होती है, वो तो नजर आ रही है ना अंदर। लाइट की जरूरत नहीं, उल्टी ही लाइट है उसमें। माशाल्लाह बहुत ज्यादा, ये जी बच्चे भी उड़े हुए हैं इस वक्त आके बैठा है ये, हम सुबह क्यों उड़ाए हैं अभी इस दफा, मतलब अभी गेम में आने का पाल रहा था काबत में, इसका नाम जेंगो है। अच्छा अभी गेम में आने का मूड नहीं है लेकिन तैयारी कर रहे हैं मैं, नेट प्रैक्टिस जारी रखी हुई है हमने। हाँ अच्छा ये क्या कहलाएंगे, ये भी मोती वाले पुराने, ये असल में काबक में बच्चे पाल रहा था। ओरिजिनल मोतियों वाले ना पुराने, उनकी बेसिक जो पहचान है वो यही है, ये लसे दोनों लसे देंगे इनको, शायद गोल्डन में भी आती है, ये लेके आएंगे ना ये इनके बॉडी पे, ये जो है ना लसे कम हो जाएंगी जोंसरों में डालेंगे, बेसिकली मोतियों वाले लसे वाले पुराने। बिल्कुल ठीक, बहुत शानदार कबूतर है, क्या बात। बेस्ट कबूतर है जी, बेहतरीन कबूतर, साइज बड़ा अच्छा है इसका, सबसे अट्रैक्टिव साइज है इसका जी। इसका भी वेट नहीं है जी, ये भी वेटलेस कबूतर है, बहुत ही इंतहाई शानदार नायाब। ये सारे सियालकोटी कबूतर हैं और बड़े नायाब कबूतर हैं माशाल्लाह, चेहरों के हर हिसाब से, हड्डी जोड़ पर पुर्जा बहुत शानदार, इन हर कबूतर अपनी मिसाल आप है। ये किन में से है जी, ये मोती वाला और छत वाला, ठीक सबज मोती वाला और छत वाला। ये नुमान अंदर चला जाए, अंदर जाके इकट्ठे ज़रा दिखाए इनकी जो खूबसूरती है ना, ताकि ये क्लियर हो जाए, नहीं बस इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ ये जो बने हुए कबूतर अली पैसे वापस देने, खड़े होके ज़रा दिखाए।
सेठ वकार साहब देख रहे हैं वीडियो, देखें सेठ साहब ये सियालकोटी कबूतर है ओरिजिनल लालच में है। उस्ताद शहबाज बारा साहब, रवि रवि खेलवाल, साजिद भट्ट पीछे से किया आगे जवानी पीछे वाले आगे बहुत आला जी, ये ओरिजिनल कबूतर है सियालकोटी कबूतर जो आपको दिखा रहे थे उमर मलिक साहब के, और अभी इनके मजीद कबूतर आपको दिखाते हैं, बहुत ही शानदार कबूतर है। और उमर भैया असद इनका रिकॉर्डेड क्लिप ले ली, चल इनका रिकॉर्डेड क्लिप निकालना था भाई वाले से। ये भी इसी लाइन में कबूतर है लेकिन ये आपको चूँ में आपको दिखाते हैं, वो क्या कहते हैं इनको, अल्परा या सलारा, सलारा चूहा लेकिन इंतहाई अच्छी हालत का कबूतर। तो किसकी जगह पे जा रहा है, वहाँ पे बंदा भेज दें, कोई जहाँ कबूतर जा रहा है वहाँ कोई बंदा भेज दें, चले दोबारा वहीं पे चला गया। जोड़े लगा हुआ वो कबूतर, जोड़े लगा नहीं, नीचे से लेके आए ऊपर वाले नहीं, उसको जोड़े नहीं लगाया पता नहीं, वो दिखा रहे मादी के इधर, मादी लेके जाओ मादी बच्चों दे वाला दे पुराना दे पुराना टाइम याद करे, हाँ गली गली फिरते थे उस टाइम पे, आ भी जाते हैं ये अलग लाइन है। अच्छा ये उस लाइन में से नहीं है, ये क्रॉस किया हुआ कोई, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कह लें कि ये मैंने किसी चिड़ी मार से लिया था, खरीदा था। अंदर ये तीखा भी बहुत और इसका रिजल्ट भी है, इसका रिजल्ट भी है मेरे पास, हाँ जी बहुत शानदार। साइज बना हुआ है इंतहा है इस कबूतर में, इंतहाई सियाना कबूतर और इंतहाई अच्छा प्रवासी कबूतर। उम्र
उमर मलिक साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये किन में से उमर भाई? उमर देखें जरा इसके ये जीरी फीमेल है। किन में से है मतलब? ये सियालकोटी? नहीं नहीं, ये सियालकोटी है, ये मियां साहब वाले उमर। हाँ बहुत ही आला, बहुत कमाल माशाल्लाह। ये लगाई भी किसके साथ? एक वाइट मोतियों वाला कबूतर है, उसके साथ लगाई। मैंने जितने भी ज्यादातर जोड़े हैं उनको सियालकोटी और कसूरी को मैंने टच दिया हुआ है, सियालकोटी टैडी या सियालकोटी कसूरी, इस तरह करके मैंने जोड़े बांधे। मैंने मतलब सीधे कोई भी नहीं बांधे, उड़ाने के लिए मैंने सबको क्रॉस लिया, क्योंकि उड़ने के लिए मेरे ख्याल में इधर सियालकोट में उड़ने के लिए कसूरी कबूतर बहुत अच्छा उड़ता है, लेकिन उसको साथ इस इलाके की वजह से सियालकोटी पर चाहिए। ये इमरान साहब है डस्का से, ये ज्यादातर कसूरी कबूतर मेरे इन्हीं के पास से आए हैं। अच्छा, लाडी पहलवान मेरे उस्ताद। अच्छा, लाडी पहलवान साहब। तकरीबन 31 साल हो गए उनकी शरीफ। अच्छा माशाल्लाह। ये देखें जी, ये कबूतर भी बड़ा शानदार आया है, क्या बात है। बड़ा नाम है जी लाडी पहलवान साहब का, बड़ा हाँ, बड़े पुराने शौकीन है दुनिया। जी जी बहुत उम्र किसी दिन लैके जाना ना उमर भाई, पूछ लो भाई लाडी का। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਡੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਫਰੋਕਸਰੀ ਕੈਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਸ ਕੀ ਵੀ ਆਂਖ ਦੇਖੇ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਮਰ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੀਚੇ ਪੜੇ ਹੈ ਕਮਰੇ, ਕਮਾਲ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਬੂਤਰ ਪੜੇ ਹੈ। जितने लाहौरी कबूतर हैं वो सारे कमरे में, कमरे जो जी वही हाँ जी वही हैं। तो टैडी शैडी कोई अच्छे जड़े खाते पे हाँ, वो लाइट अच्छी पड़ रही है भी नहीं है। हाँ जी ये भी ले जी, ये भी मियां साहब वाले की निकलने से है लग गया है। वो नहीं तो सामने वो जो लाए क्या हो बड़ा कबूतर है। इनको प्योर भी लगाया है, प्योर रखे हैं इनमें से? इनमें कुछ जोड़े अपने प्योर भी रखे हैं कसूरियों के, ताकि हमारे पास लाइन जो है ना वो भी चलती रहे, ताकि आगे परेशानी ना हो, आगे बारे खरीदना ना पड़े आगे परिंदा, वो भी किए हैं। लेकिन जो उड़ाने के लिए वो टोटली मतलब हम लोग सीधा जो है परिंदा वो नहीं छोड़ते हम। हाँ सही है, सीधा परिंदा कोई भी नहीं छोड़ते, क्रॉस करके ही छोड़ रहे। ये तो प्योर ही लगा होगा शहजादा। ये परिंदा भी इमरान साहब से आया हुआ मेरे पास। इमरान? अच्छा आपकी तरफ से? इमरान और डॉक्टर गुड्डू, डॉक्टर गुड्डू का नाम पूरे मशहूर है जी डस्का से। इमरान साहब के घर का? ये उस्तादों से आया था, महिला टीके से आया था। सही, बड़े आला कबूतर बने हुए, क्या बात है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके आगे वो जो ये रू से आ रहे हैं जी जी, इनका कोई है? परेल कबूतर की निशानी है। परेल ठीक है, परेल कबूतरों में आती हैं अमूमन, कई कबूतरों के इधर भी आई भी होती है। अच्छा आ जाएगी इसके लिए,
बहुत शानदार जी कबूतर आपका माशाल्लाह, और फिटनेस में बड़ा अच्छा जी। इनके बच्चे तो ही नहीं, वो बड़े वाला जी जी के पास जो लाहौर का कबूतर उड़ता जी जी, उससे नंबर पे ये है। अच्छा, नईम साहब काड़े वाले जी लाडी पहलवान को भी शागिर्द थे ना मेरे, पहले थे हाँ जी, पहले वो थे ना बिल्कुल, वो बाद में सब कर जी सर, तो वहाँ भी मैंने जाकर काफ़ी शौक किया। अच्छा, नईम भाई के पास भाइयों भी रस्ता रहते थे, हम भी उधर जाते थे। ये जी उमर मलिक साहब के पास, अभी आपको पहले दिखाए हैं प्योर सियालकोटी कबूतर, फिर अब ये दिखा रहे हैं जी आपको रेड आइज में कुछ कबूतर, बड़े ही शानदार कबूतर हैं अभी, और कबूतर आपको टेडी कबूतरों का कुछ शौक करा दे, टेडी कबूतर भी आ रहे हैं माशाल्लाह जी, इसको नजर ना लग जाए इसको, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, ये तो किंग है हमारा। मेरा फेवरेट सूरी कबूतर है, कर ली है, ये भी उन्हीं कबूतरों में, उन्हीं कबूतरों में से ये मेरा मतलब ये बच्चे रोक रहा हूँ मैं इस कबूतर, देखा आपने इसका भी साइज जी, देखें जी ये सूरी कबूतर है जनाब उमर मलिक साहब के, इन कबूतरों में को ये प्योर बना रहे हैं ये वाला जो कबूतर, और इनमें से ही क्रॉस करके वो आगे दूसरे कबूतरों में लगाते हैं, शानदार कबूतर में लगे। उस्ताद सुहेल इंसार खान साहब अगर देख रहे हो, उस्ताद कामिल जैदी साहब, ये कबूतर आपके पसंद का कबूतर, साइज जरा इसका है बड़ा, लेकिन ये कबूतर है बिल्कुल खरा। शेर खान की तरफ ये बड़े नासिर भाई, ये भी अंदर छोड़, वाह ये उस्ताद शबाज मेंबर की तरफ से मिले हैं। अच्छा, उस्ताद शबाज मेंबर की तरफ, दोस्त हैं आपके? जी दोस्त हैं मेरे, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये बच्चे, जो भी उनके पास से मेरे जानवर मेरे पास आए माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस में। देखिए शबाज मेंबर साहब, बड़ी बड़ी दूर तुम कबूतर पहुँचाए ने माशाल्लाह, तो कबूतर भी अपनी मिसाल, आप बहुत अच्छा कबूतर है जी, सॉफ्ट कबूतर है, मेन चीज़ है सॉफ्ट। ये जनाब हिनो, ये भी शबाज भाई से आए? नहीं, ये उनके कज़न से आए हैं, मलिक को क्या कहते हैं, मुबशर। अच्छा अच्छा, मुबशर को कर साथ। ये हिनो है? जी ये हिनो है, और ये मलिक मुबशर कोखर से तो हिनो ही आए हैं। आगे आप देख लें। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा कबूतर माशाल्लाह, कितने जो दूसरा आप साहब
नहीं नहीं सारे उधर ना छोड़िए यार, रश हो जाएगा। और इनकी नहीं तस्वीरें चाहिए, इनकी तो 10,000 लोगों के पास होते हैं। मैं कह इनकी तो 10,000 लोगों के पास होती है तस्वीरें, खास कबूतरों की चाहिए हमें बस। ले जी एक हलचल दिखाते हैं जी इसकी आंख में कबूतर की, ये फड़फड़ाता रहेगा आंख को। हिलाए जा रहा है आंख को, वाह बेस्ट कबूतर है ये। जी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब, उस्ताद कामिल जैदी साहब, उस्ताद मंजीत सिंह साहब हमारे बेहतरीन दोस्त हैं जी, नॉर्थ अमेरिका रिकॉर्ड होल्डर उस्ताद मंजीत सिंह, उस्ताद साकिब बाबा साहब, ये कबूतर देखें आपको कमाल कबूतर है ये, देखें फड़फड़ाता रहेगा पूरी आंख को, रोकेगा नहीं ये। इसको प्योर बना रहे हैं हम इस फीमेल के साथ, बहुत अलग अच्छी मादा लगाई, क्या बात। इसकी मादी कौन सी लगी? इसके साथ इनो मादी लगाई है, इनो ये वाली इनो नहीं, ये नर है बस के सिस्टर समझ जा। हां वाह रोजे क्या बात, नहीं जी दो चार कबूतर तो ऐसे आए हैं ना कि दिल मोह लेने वाले, उनके अलावा की बात करो। लेकिन फर्क इनमें ये है कि ये मिल जाते हैं ढूंढने, वो मुश्किल में मुश्किल से मिलते हैं। वो असल में जिनके पास है ना वो निकालते नहीं, निकालते नहीं, निकालते असल मसला, असल मसला ही है, पता नहीं क्या वो मतलब वो मिलने का ही नहीं। ये आपको हर बाजार में हर जगह मिल जाएंगे, हाँ लोगों के पास मिल जाएंगे लोगों ने। ये घर का पट्टा है, ये किस में से निकला? ये आपको इसका माँ बाप अभी दिखाते हैं, ये नीले ही है, नीले ये अभी अभी इसका भाई बैठा है, मतलब पांच ये जो लास्ट हमने अभी देखा इसका भाई बैठा है। अच्छा सबसे अच्छी चीज़ पता है कि आपके कबूतर मलाइमियत है, हालांकि ये नहाए हुए नहीं है इतनी, नहीं नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनमें मलाइमियत है कबूतर में, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, असल में इसके इसका जो बाप है वो बहुत ही मतलब नायाब कबूतर है, वो जो भी उसके बच्चे हैं ये पहले देख चुके हैं। नहीं आ जाइए इसको, ये डबल है, लोग इसको कहेंगे डब वाला, लेकिन ये डब वाला कबूतर है नहीं। ये जो अभी आपने देखा है कबूतर, ये उसका बाप है, और आपके सामने अभी अभी ये इसका बेटा बैठा है उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब। अभी उसने प्रवास काफ़ी करा है, ये अभी रनिंग नहीं हुई, देखो जी शहजाद भाई ए आँख होनी चाहिए थी। कमाल की आँख है, ये अभी जो आपने पहले कबूतर दिखाया ये उसका बाप, अरे वाह इसकी नस्ल का पता नहीं है मुझे ये क्या है,
इसके अभी अभी जो बेटा बैठा है अभी बच्चा 5 बजे मादी आपने से लाल आंख की डाली हुई। हाँ जी कमगर ये मादी लाल आंख की कमगर ऐसा से छोड़ लो। क्या हुआ कोई नहीं आई तस्वीर पुत्र दो चार दी लेनी है सारे दी जरूर लेनी नहीं नहीं बच्चे ना अंदर कर लेंदे ना फिर सुट लो आ जाओ फिर थल्ले नहीं नहीं ए वाले अंदर सुट लेंदे बच्चे वो ताकि अंदर ना जा नहीं जी मजा आ गया ये कबूतर देख के नायाब कबूतर टेडी बहुत यार देखें जी इसकी नस्ल बताएं सारे दो सब आप जो साथ ये जरूर हम भी जानना चाहते हैं इसकी देखें इसकी आंख उस्ताद साकिब बाबा साहब आपने तो कराची में शौक किया हुआ कराची शौक कर रहे हैं आप तो बता देंगे बड़ी जल्दी क्या कबूतर कहलाएंगे ये वाह ये इसके साथ फीमेल लगी हुई दो तीन टैडी दिखा दो तस्वीरों की तरफ थोड़ा फोकस करें बेटा मिनट लगा ये घर की है नहीं ये गिफ्ट है किधर दोस्त एक ने दी तो ये इधर से सियालकोट सियालकोट से और ये मशहूर था कि ये बच्चा बाहर ही फेंकती है लेकिन जब ये इस कबूतर के साथ लगी है एक बच्चा भी मिस फायर बहुत खतरनाक होती है अच्छी बात है बच्चा बाहर फेंकते हैं उसे जब से ये मेल दिया है जितने भी हमने बच्चे इसके छोड़े हैं सब बच्चे इसने घर बैठाए हाँ मुझे भी यही लग रहा है कट कर लो कबूतर बच्चे को दे दो जो इधर निकाल लें एहतियात ना पड़ी है बिच दरवाजे ना आ जाए बहुत आला जी अच्छी मादा ये जी इसकी वजह से ये काम अब कर रही है इसका बच्चा भी बैठा सुबह से 7 बजे का उठावा जी 5:15 बजे बैठा माशाल्लाह इंशाल्लाह ये बढ़ते जाएंगे इनका अभी तक कोई बच्चा ज़ाया भी नहीं हुआ एक बार भी बाकी आपको स्टेडियम में शौक करवा जी जी आ गए वो लेके आ रहे हैं बेटा ये उनको कुछ जल्दी लेके आओ ठीक है स्टेडियम स्टेडियम जल्दी लेके आओ लाइट भी कम हो रही है लाइट कम हो रही है ना जी इतने पीछे बैठा अभी फिर उठ गया
कबूतर आ गए हैं जी जनाब उमर मली साहब के, ये कबूतर भी आपको दिखाते हैं जी। ये बड़ा शानदार कबूतर आ गया जी एकदम, देखें जरा इसके आंख का पॉइंट कमाल। यार तू थोड़ा नीचे आ, अब जरा लाइटर इधर हो। क्या बात है, परों के खराब हुए हैं लेकिन ये पर बहुत अच्छे, बहुत शानदार पर है जी इसके। ये पर देखें यहाँ से कैसे चौड़े पर है, कमजोर हुआ हुआ कबूतर, बच्चे पाल रहे हैं, पाल रहे हैं। बहुत ही नायाब कबूतर है नस्ल के हिसाब से। ये नहीं जी सलारा आ गया, पॉइंट देखने हैं नबील अहमद साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं नबील भाई, यही बात मुझे लगी है क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा कबूतर रहा है ना। ओए ऊपर दिखाए, अल्लाह अकबर कह के एकदम ये दे दे इनको वापस, उधर फालतू जगह पे छोड़ता जब। वाह जी वाह, इसका रिजल्ट आ रहा है जी, इसका रिजल्ट अभी इसका नहीं आया लेकिन देखते हैं, क्रॉस में लगाया हुआ इसको, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। ये लेकिन आया इमरान साहब के पास, माती कौन सी लगाई इसके साथ? इसके साथ टैडी माती थे, लेकिन जरा डिफरेंट स्टाइल की टैडी है। ये भी उस्तादों से आया? ये नहीं, ये बहुत आहार नहीं, इसी क्या वाले उनके घर। यानी कि आप अभी भी लाहौर जा रहे हैं? मेरा आना जाना लगा हुआ 50 साल से, तो मैं वहीं पे कहलाते कौन से हैं भाईजान, ये पूछ रहे हैं चौधरी इंडिया लॉफ्ट। लें जी कमाल कबूतर, कबूतर अच्छे हैं जी इनके, सारे हड्डियों के हिसाब से साइज वेट। ये जी आ गया है आपका वही मलिक शबाज मेंबर साहब का कबूतर, बेहतरीन कबूतर है। इसका लिया रिजल्ट के, इसका भी अभी लेना, इसका भी अभी लेना। इससे मादी टैडी लगाई, इसको प्योर कर रहे हैं इसके रोकने के लिए। देखना कैसा नफीस कबूतर, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में, बहुत क्लास का स्ट्रक्चर है इसका। इसका रिजल्ट है मेरे पास, ये की मादी के साथ हमने लगाया और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये है कौन सा? टैडी, मैं तो उसको टैडी कहता हूँ, बाकी आप बेहतर बता सकते हैं। छड़ी जाओ फिर आप।
बहुत अच्छा कबूतर है, क्या बात है। ये मादी है? जी मादी। एक आई यार, कमाल आई। ये भी इमरान साहब के पास है। ये ना और मलक के पीस आ गए ना। ये किससे लगाई हुई है? आला पा रहा है, देखें साकिब भाई, मादी आई है, पूरे दिनों की मादी आई, पूरे कैंडे की। ये ना रहे जी। अच्छा ये लगाया, एक मादी तो मंगवाइएगा, शबाद भाई वाले कबूतर। शबाद भाई वाले कबूतर की मादी, टेडी कबूतर नहीं छोटा सा? जी जी जी, उसकी। मैं क्या, चलें रहने दो, नीचे जाएंगे तो बाद में देख लेंगे। मतलब कबूतर तो तकरीबन सारे ऊपर आ गए, हमने अब नीचे सेटअप ही है ना। असल में कुछ कबूतर उनके मुझसे ना गाया हो गए शबाद में। हाँ जी, और इसलिए ना मैंने मादी जो है ना, ये फिरोजपुरी आ गई। जी ये फिरोजपुरी आ गई, ठीक है। कोई आई है बेटा? क्या टाइम ही जाया किया? दो तीन क्लिक कैसे होंगे? मैं कहूँ कि क्या बात है, फिर बात मजा आएगा, नहीं तो तस्मे इसके भी खुल जाते हैं। वाह जी वाह, मैं खुद भी देखूं जरा। आ गया जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बना कबूतर का? कुछ नहीं बना मैंने दे दिया था, कहाँ पे आप चले जाए, जैसे उतरेंगे ना वहाँ पे वो है सात फुट उसकी पान वाली खोखा, उससे ले लेना बैग, बड़ा बैग। नहीं वो नहीं, बस जैसे उतरोगे लेफ्ट साइड पे खोखा पान वाला, उससे ले लेना। अल्लाह खैर करे जी। ये जी बड़ी साफ हो रहा है। सारे रिश्तेदार लाइफ ही इसी तरह गुजर रही है, तो
जाओ तुम नीचे चले जाओ। हाँ जी अंदर ले जा, अंदर भी भेज दूँ तू को लेना बेटा। फोटो जी मैं कल भाई खिंचनी इंज करके करवाना पैना मैं इंज करके खिलौना नहीं फिर वो वाला है वो गुलाबी कड़ी वाला वो जुजप्पी वाला। असल में वो कबूतर निकल गया उसी परेशानी में हम लोग भूल गए। जरा कैमरा इधर कीजिएगा। मेरा जो भी शौक चल रहा है या हो रहा है वो हाफिज हमीद भाई के साथ हो रहा है। मैं पाकिस्तान हूँ या ना हूँ इनकी वजह से मेरा शौक है और इनके साथ ही मेरा शौक चलेगा। अच्छी बात है, टीम वर्क है सारा। चलो भाई बाहर निकल दो। लेकिन नाजिन ये जितने कबूतर आपको दिखा रहे हैं उमर मलिक साहब के पास एक दो बटेरा दिखा रहे हैं। एक दो कबूतर आपको दिखाते हैं और तो रहने दे जरा। ये तमाम कबूतर हैं जनाब प्योर सियालकोटी कबूतर आपको दिखा रहे हैं। आओ बहुत सियाना कबूतर एकदम नजर रखना बा थलड़ा आ रहा आए जरा सीट पे एक दो कबूतर का और शौक है। ये सब पकड़ियो ये बटेरे का शौक रहे। ये पुराने बटेरे मेरे ख्याल से तो पुराने बटेरों में से आगे लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं जी ये वाह बिल्कुल पुराना बटेरा कबूतर है। हाँ खराब है ये बढ़िया ये देखें जी पूरी शेप उसकी ऐसे शक्ल ही ऐसी है जैसे बटेरों की शक्ल होती है कि नहीं है। उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब देखें कबूतर या आपको दिखाने का मकसद यह है कि आपको कबूतरों का और बटेरों का दोनों का शौक है। क्या बात ये इसका बेटा है। बेटा जरा हट गया साइड साइड पे हो गया थोड़ा सा। वाह ये पढ़ते हैं चाहिए ये जी बट्टी साहब का बट्टी बहुत आला। ये कितने नंबर है छियालीस नंबर। ये जी सियालकोट के शेखों वाले मेरे उस्ताद के उस्ताद शेखों वाले कबूतर उस्ताद इम्तियाज हीरा साहब के उस्ताद शेख अफजल साहब वाले ये कह रहे हैं जी। बिल्कुल यार एक ना वाइट कबूतर पड़ा हुआ है। हाँ जी मोती वाला है ये बिल्कुल वाइट हुआ हुआ
इन सब की यहाँ ग्रुप फोटोज भी कर रहे जोड़ा लगा एक बूटा कौन सा वो नहीं नहीं ये सारे नार हैं नहीं वैसे जोड़ा लगा बस हाँ जी जोड़े लगे इसकी माता तो लागे जोड़ा मैं आपकी बात ये मोतियों वाले में से ही निकला हुआ क्या अली भाई बताएंगे फिर इसका नहीं जी लाल मोतियों वाले कबूतरों में से निकला हुआ कबूतर है उस्ताद साकी बाबा साहब देखें जरा साकी भाई को दिखाएं जरा उनको बड़े और इसका रिजल्ट भी है इसका होना भी चाहिए मादा गोल्डन लगाई हुई जीरी मैं लाल की लाल बहुत ही एंटीक कबूतर है जेन्युइन कबूतर कागजी कबूतर बिल्कुल मेन जो इसकी बात है ना कागजी कबूतर शानदार नहीं गलत फाड़ के लाया इसे छोड़ के आने से आप ये देख लिया ले जी ये कबूतर आपको दिखा रहे हैं जनाब उमर मलिक साहब के सियालकोट मॉडल टाउन से बड़ी ही शानदार नई छत अभी बनाई है और इंशाल्लाह ये जो है एक दो साल के बाद ये एंटर होंगे उम्मीद है कि अगले साल तक ये एंटर हो जाएंगे जिस तरह के इनकी यहाँ पे तैयारी चल रही है परवाजें चल रही हैं अली भाई साथ हैं इमरान भाई साथ हैं और दो सब और जितने इनके साथ हैं टीम वर्क इनका चल रहा है और इस टीम वर्क के साथ माशाल्लाह फिर इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा आएगा वैसे इनके जो उस्ताद हैं वो भी किसी से कम नहीं है और उस्ताद इम्तियाज़ हीरा साहब इनके उस्ताद की उसकी मदद तो बड़ा ही शानदार जो इनका टीम वर्क है बड़ी ही अच्छी लोकेशन है छत की लोकेशन अच्छी है कबूतर इनके पास अच्छे हैं मेन चीज़ जो होती है वो यही है किसी भी छत की ताकत के उस पर कबूतर कैसे हैं तो इनके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो कि आजकल की कबूतरबाजी में लाजिम मलजूम लेडी इनके पास है मतलब ये एक मुरक्कब है और ये तमाम मुरक्कब इनके पास मौजूद है जिसके साथ ये एक शानदार कामयाब कबूतर परवरी जो है वो कर सकते हैं सियालकोट में और इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट ईयर ये अपनी छत ओपन करेंगे तो ये खुद देखेंगे कि इनका रिजल्ट कई छतों के मुकाबले में एक अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी और कबूतर आपके देख के बड़ा मज़ा आया एंटीक कबूतर हैं क्लास के कबूतर बड़े वो अनुमान जाता है ना तो ये हमारी तरफ से हम आपको अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं नुमान नीचे जाके क्योंकि कबूतर तो हमने सारे ऊपर लाके दिखाई दिए हैं अब रह गया ब्रीडिंग सेटअप तो वो आपको दिखाते हैं अली भाई ने एक उमर भाई ने एक ब्रीडिंग सेटअप बनाया अंदर कमरे के अंदर तो नुमान नीचे जाएगा नीचे जाके वो ब्रीडिंग सेटअप दिखाएगा मोबाइल साथ भेजें तो उमर भाई मेरे साथ ही होंगे ऊपर हम थल्ला से मैं डायरेक्ट थल्ले ये हैं जी कुछ सारे जोड़े लगे हैं कुछ पास वो हैं मेहमान बैठे हुए हैं इनके देखे माशाल्लाह सारा ब्रीडिंग सेटअप है जी इनका टोटल कितने जोड़े लगे हैं कबूतर यहाँ से निकला ऊपर से निकला था यहाँ का सर आ जाएगा बाप ये जी माशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ कर दें ओके जी अल्लाह हाफिज़ ओके ना